उठाओ। कहाँ जा रही है भाई हवा? ग्रेविटी कहाँ चली गई? ग्रेविटी इसके नीचे बहुत भूसा भरा है, अभी साफ आने लगा क्योंकि हवा सही मिल गई है। ये तो बहुत परेशान हो रहे थे हम। अब ये लोग पीछे से लाने लगे निकाल के। तो ये अपना खेत है जिसमें थ्रेसर चल रही है सामने, और ये हमारे पड़ोसी खेत जिसमें हार्वेस्टर चलने आया है। इस साल हमने बिल्कुल भी नहीं चलवाया, सारा हाथ से कटवा के और थ्रेसिंग किए, और हमारे पड़ोसी खेत में रू चल रहा है। ये देखो और यहीं से एंट्री करी है। अब इसमें एक दिक्कत होती है कि ये पौधा गीला है तो इसमें कचरा भी सब कुछ अगर रहता है तो वो उसके अंदर चला जाता है और उससे कलर पे बहुत इफ़ेक्ट आता है, कलर बहुत ख़राब हो जाता है। यही कारण है कि हमने इस साल एक भी जगह कंबाइन नहीं चलवाया है, और रेट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। मलकीत की है गाड़ी भाई, मलकीत। पहला राउंड लगाने में बड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद बस फेरा लग गया तो लग गया। क्या साइडें रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेम समस्या रिपर में आती है, देखो तो बीच में ये रह गया तो दूसरे फेरे में ये इसको कवर करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसमें कितना हरा पौधा है, तो इसके साथ साथ इसका कलर जो है मिक्स हो जाता है। और अब ये बहुत सारी बाल रह भी गई, देखो ये पहुंच ही नहीं है यार। इतना नुकसान तो थ्रेशर से भी होता है यार, ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये तो जैसे कि ये देखा अब ये इसमें रह गई है, अपनी तो लेबर ही छोड़ देती है नीचे, ये गिर रही है ना। तो नुकसान दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं है आप थ्रेशर से 100% बचा लोगे, नुकसान सब जगह होगा। नुकसान तो होगा ही, 10% नुकसान जो है होता ही है, आप छोड़ नहीं सकते इसको चाहे जो भी हो जाए। तो ये जो नुकसान आप देख रहे हो इसको भी कम करवाने के लिए थोड़ा सा दाब बढ़वा रहे हैं इसमें, अगर हुआ तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब मुझे थोड़ा सा नॉर्मली हार्वेस्टर से जितना होता है उससे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिख रहा है, तो मैंने बोला अभी उसको करने को इफ पॉसिबल तो हो ही जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो एक बार फिर से दाब बढ़वाने के बाद
ढाई बज चुका है भाई साहब और यहाँ तक आ गए हैं। ट्रॉली तो हमारी इतनी बढ़ गई, अब जाली लगानी पड़ेगी हमको, तब जाके ये ऊपर तक भर पाएगी। और वो सामने उनका हार्वेस्टर चल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिड्डा दिखाऊं जो कि धान के कलर का ही है, मतलब वैसे मैंने ये हरे कलर के देखे हैं और लेकिन ये बिल्कुल धान के कलर का है। एक हार्वेस्टर इस तरफ चल रहा है और एक इधर चल रहा है। उस वाली पे लंच टाइम हुआ है अभी और ये लंच जस्ट करके और शुरू करी है, ठीक है। एक 1:50 ख़त्म हो गई, मतलब हम यहाँ तक जो है सीमा क्लियर कर दी है, बस एक ये रह गई है बीच में और दो ये रह गई हैं, बाकी इस तरह से ख़त्म। यहाँ तक ग्राई हो सकती है आसानी से। और ये देख लो वहाँ तक जो ढेर लगे हुए हैं सब ये क्लियर करना है, और अभी वो ऊँचा भूसे के ढेर के पहले तक आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सब अपनी है। तो भाई साहब कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं हम, इस वक्त बज रहे हैं 4 और यहाँ से हमको ट्रॉलियाँ लेके पहुँचने में, ट्रैक्टर लेके पहुँचने में बराबर 1 घंटा लगेगा। और आज है दिवाली, हमको ट्रैक्टरों को नहला धुला के उनको कल तक तैयार करना है, पूजा पाठ करनी है ना। ये वीडियो शायद आप काफ़ी दिनों बाद देखोगे तो उसके लिए हम जल्दी काम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। लेबर को भी कुछ खरीदारी करनी है, ठीक है। थ्रेसर यहीं रख दिए, ट्रैक्टर ले जा रहे हैं और ये ले जा रहे हैं। अरुण अपने पास कोई रस्सी है क्या? रस्सी है कि क्या? रस्सी बस रे, रुक जा, तू लेबर लेके जा महिंद्रा से ये। हाँ हाँ, जो लोग संगे जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे, ठीक है। और शाहरुख तुम इसको पकड़ो, हम लोग ये लेके आ रहे हैं। तोड़ दे। हाँ Yeah.
थोड़ी देर पहले तो कह रहा था ये वाली नहीं तोड़ना, अरे थोड़ी देर पहले तो कह रहा था ये नहीं तोड़ना। मैंने क्या कही थी, तूने कही थी तोड़ दो, मुझे तोड़ दे, मेरा क्या जा रहा है। और उधर से भी लेके आ बना उसको दोबारा। और क्या, भाई प्रमोद को दे दिया जॉन डियर, शाहरुख ले जा रहा है आईसर, और नईम ले जाएगा न्यू हॉलैंड, और क्या बोलते हैं अरुण के पास है अर्जुन, और मेरे पास है ये। ठीक है, न्यूट्रल मारते हैं, चालू करते हैं, और रोहित लेके जाएगा ये महिंद्रा, इसमें लेबर भी जाने वाली, ये नहा रहे लोग। पक्के रोड पे आ चुके हैं और थोड़ी देर में यार्ड पे पहुंच जाएंगे हम लोग, और पीछे आ रहा है हमारे वाला। भाई लो आ गया ट्राला लेके,
लोगों ने न्यू हॉलैंड आ गया ट्राला लेके, लोगो आ रहा है ट्राली लेके, और आज कुछ खास काम हो नहीं पाया है। ये वाला यहाँ खाली नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ हाँ पन्नी बिछाओ, पन्नी उठा दो। अरे इससे नहीं उठना, लीवर अलगेगा उसका। अच्छा कसी नहीं है, अरे यार कोई डाला खींच लो एक बार, जाना इसको राम क्या नाम है राजू भैया, डाला खींच लो, उठाओ। हाँ देख रहा हूँ मैं, उठाओ बस 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 पकड़ के छोड़ दो, छोड़ दो, जान दो, उठाओ उठाओ बस, अब थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाओ, उठाओ उठाओ बस उठाओ, आगे बढ़ाओ धीरे धीरे। नहीं खींचेगी यार, आगे बढ़ाओ। ज्यादा हो गई, थोड़ा दूर इस तरफ इस तरफ। दीपावली का दिन है और यहाँ पे चल रही है दीपावली की तैयारियाँ जबरदस्त वाली। हम हैं यार्ड पे, अभी अभी आए हैं खेत पर से और बहुत सारी धान निकाल के, ये देखो पीछे ढेर पड़ा हुआ है, और अभी यहाँ पे चल रही है दीपावली की तैयारी। अभी वहाँ पे हमारी जो SS बिल्डकॉन वाला ग्रुप है वो लोग फूल माला बना रहे हैं, और सामने संतोष भैया जो है जो हमारा टीम साइड है उसके ऊपर लगा रहे हैं, मैं JCB के अंदर हूँ, लोडर से हम लोग उसको लगा रहे हैं। ये सामने देखो, ये संतोष भाई हमारे JCB के ऑपरेटर हैं, और फिलहाल में तो JCB मैं चला रहा हूँ, ये लगा रहे हैं साइड के नीचे फूल माला, और ये पड़ी हमारी धान, तो ये आगे वाला हिस्सा ये आज ही हम निकाल के लाए हैं, ये यहाँ से वाला। ओके और ये सामने आ गए हम अपने सामने वाले ग्राउंड में जहाँ पे हमारे डंपर रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन किया है इसको, यहाँ कोने में करवा रहे हैं। तो JCB का लोडर लगा के ये माला टांग दी हमने और नीचे धान रखी है, और ये हमारी बिल्डिंग देख लो भाई, और कैसी दिख रही है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो भाई साहब बच्चे लोग आ चुके हैं और अब बस पूजा पाठ के कार्यक्रम शुरू करते हैं, और सारे साधन उस तरफ हैं, हम जब पूजा करेंगे तो वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर चल रहा है साज सजावट का कार्यक्रम, ये देखो सारे के सारे साधनों को सजाने का कार्यक्रम चल रहा है बढ़िया से। अब ये बढ़िया वाला पटाखा आ गया 12 शॉट का। तो भाई साहब पूजा का कार्यक्रम हो चुका है शुरू, और यहीं से लेकर यहाँ तक देख लो